नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने अपने बयान को लेकर मांगी माफी। उन्होंने कहा कि शिवजी को लेकर जो बात कही गई है, इस तरह मैंने कोई भी बात कथा में नहीं कही है। अगर इस तरह कुछ भी कहा है तो मैं सभी संतों से क्षमा चाहता हूँ। अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि अगर मेरी वाणी में किसी का भी दिल दुखा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। साधु और संत सभी मेरे परम पूजनीय हैं। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। पूज्य संतों की वाणी मैंने सुनी और एक पूज्य संत जी ने कहा कि आपने शिव जी के ऊपर कुछ कहा, ऐसी कोई भी बात मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं विशेष रूप से, और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है। संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना, संत भगवान का ही पर्याय है। तो मैं सभी संतों से, ये दास अनिरुद्ध, आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। यदि इस दास से ये अनिरुद्धाचार्य बार बार गलती करता है, और हम आपके बच्चे हैं, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा? गलती तो बच्चे ही कहते हैं, गलती तो बच्चे ही करते हैं। और मेरी तोतली वाणी से यदि कोई आप में से किसी भक्तजन का, संतजनों का दिल दुखा हो, तो करोड़ों करोड़ों बार क्षमा प्रार्थी, दंडवत प्रणाम संतों के चरणों में। इस दास को क्षमा कीजिएगा। यदि भगवान शिव के बारे में आपने कुछ सुना, तो भगवान शिव तो हम सबके आराध्य हैं, और शिव का हरि हरि ओर न भेदः, हरि और हर में यदि हम तनिक भी हरक करें और तनिक भी अपमान हरि और हर का करें तो हमारी जिह्वा गल जाए। कभी हृदय से हरि और हर का विरोध करके कहाँ जाएंगे? तो ऐसे दास को हरि और हर दोनों से ही प्रेम है, और दोनों की उपासना दास करता ही करता है। और आप में से किसी का दिल दुखा हो, मेरी किसी भी वाणी से, टूटी फूटी वाणी मेरी है, उसे स्वीकार आप करते हैं, क्षमा भी करें, बारंबार चरणों में प्रणाम। यदि मेरी वाणी से अपराध हुआ है तो करोड़ों करोड़ बार दास आपसे क्षमा प्रार्थना करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भक्तजन संतजन इस दास अनिरुद्ध को क्षमा अवश्य करेंगे। करोड़ों करोड़ गलती मैं करता हूँ, उसके लिए क्षमा।